हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट, यही सवाल आप में से 99% लोगों का होता है जो हेयर ट्रांसप्लांट ढूंढते हैं, और जो बाकी 1% है उनका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरह होता है। तो जी 99% आप हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे सिर्फ कॉस्ट ढूंढते हैं। याद रखिए, कॉस्ट एक ऐसी चीज है जिसके इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, और कॉस्ट पूछने की वजह से बार बार 10 क्लिनिक्स में पूछने की वजह से आप में से कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट कभी करा ही नहीं पाते। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, और इन पिछले 18 सालों में जो मैंने ट्रेंड डिफरेंट देखा है, आज से करीब 10 साल पहले तक पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट में इंटरेस्टेड होते थे, हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक जानने में इंटरेस्टेड होते थे, वो समझते थे कि किस तरह का रिजल्ट है, वो क्वालिफिकेशंस को समझते थे, डॉक्टर के स्किल को समझते थे, डॉक्टर कितने ट्रेंड है, रिजल्ट्स देखते थे। लेकिन अब पेशेंट कॉस्ट देखता है। तो बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है इंडिया में, और उसका रीजन, गलती आप कंज्यूमर नहीं है, आप पेशेंट, आपकी गलती नहीं है। इंडिया में 90% से ज्यादा जो क्लिनिक्स हैं वो फ्रॉड हैं, वो अनरजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ। एक कमरे में क्लिनिक खोल के की जाती है, टेक्नीशियंस करते हैं, टेक्नीशियंस ने क्लिनिक खोल रखी है, डेंटिस्ट, होम्योपैथ, आयुर्वेद, कोई भी जिसके पास खाली टाइम है वो अब हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, और इसी वजह से अब 15,000-25,000 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जो कि पूरी हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री के नाम को खराब कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट एक्चुअल टर्म्स में कैसे डिटरमिन होती है, एक अच्छी क्लिनिक की पहचान कैसे होती है। ध्यान से सुनिए, अगर आप में से कोई लोग हैं जिनको सिर्फ कॉस्ट से मतलब है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मत देखिए, आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कुछ समझना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट डिटरमिन होती है कई फैक्टर्स से। फर्स्ट, टेक्निक। हम लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो एक एक्सपेंसिव टेक्निक है। दुबई में लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट 25 से 50 लाख के बीच में होती है। इंडिया में शायद हेयर ट्रांसप्लांट जो लॉन्ग हेयर टेक्निक करी जाती है, जो क्लासिकल डिस्क्राइब है, वो शायद इंडिया में सिर्फ हम लोग करते हैं, और इंडिया में दुबई के मुकाबले 1/10 कॉस्ट में लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। वहीं नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स जो हैं, जैसे FUT है या FUE है, वो तो बहुत कम कॉस्ट में, आज के दिन तो मेरे समझ से 50,000 से 2 लाख के बीच में एक अच्छा ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सस्ते ट्रांसप्लांट ढूंढ रहे हैं, तो मेरी आपके लिए चेतावनी रहेगी, आप रिस्क ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्टेरिलाइजेशन, क्लिनलीनेस, इन्फेक्शन, इन चीजों से बचें। एंड क्या आप एक नॉन मेडिकल इंसान को अपने सर पे इंजेक्शन और कट लगाने की परमिशन देंगे? नहीं देंगे तो सोचें। कॉस्ट डिटरमिन दूसरी और चीजें क्या करता है, क्या जहां फैसिलिटी सर्जरी जो आप प्लान कर रहे हो, क्या वहां पे प्लास्टिक सर्जन हैं, या आप किसी से भी करा रहे हैं? ऑब्वियसली प्लास्टिक सर्जन 14 साल की पढ़ाई के बाद बनते हैं, और BDS डॉक्टर 4.5 साल में BDS डॉक्टर बन जाते हैं, और टेक्नीशियंस को तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो आप किसी भी रेट पे कर सकते हैं, बल्कि आप पैसे बोले कि मैं 10,000 में कराऊंगा, आप करते हो कि नहीं, वो कर देंगे आप। तीसरी चीज, फैसिलिटी। आप चाहोगे कि हेयर ट्रांसप्लांट आप किसी एक कमरे में करें जहां सफाई भी होती है या नहीं होती, या एक हॉस्पिटल में करें जहां पे पूरी आपकी सेफ्टी की अश्योरेंस है, गारंटी, मर्जी आपकी, आपको सर्च करना है। गवर्नमेंट भी कहती है आज के दिन हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ हॉस्पिटल्स में होने चाहिए, तो चेक कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चौथी चीज, जिस सेंटर पे आप प्लान करें, क्या वो अलग अलग टेक्निक्स करते हैं? हो सकता है कि आप FUT के कैंडिडेट हो सकता है आप FUE के कैंडिडेट हो, लेकिन आपके डॉक्टर जानते ही नहीं है करना, क्या अचीव कर लेंगे, गलत हो जाएगा आपके साथ और रिजल्ट आएगा। पांचवी चीज, रिजल्ट की अश्योरेंस। सपोज रिजल्ट नहीं आया तो सेंटर क्या अश्योरेंस दे रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितनी बार होता है पेशेंट ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, एक मुझे याद है एक स्टोरी, एक पेशेंट आए थे, उनको बोला गया था कि आपका पूरा सर ढक देंगे, 3 घंटे बाद उनके 500 बाल लगा के उनको बोला इससे ज्यादा आपके बाल निकले नहीं, टाटा बाय बाय। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं निकले। और वाकई में नहीं निकले, जब मैंने उनको देखा उनका ट्रांसप्लांट लायक बाल ही नहीं थे, उनका ट्रांसप्लांट ही नहीं होना था, तो बेचारे के 20,000 रुपए का भी नुकसान और हमेशा के लिए थोड़े थोड़े बाल आगे छोड़ के उनको छोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, अगर आप एक जेन्युइनली अच्छा ट्रांसप्लांट चाहते हैं, अपने लिए लाइफ चेंजिंग ट्रांसप्लांट चाहते हैं, या एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं ट्रांसप्लांट करने की जो सबसे सस्ता हो जाए। दो चॉइसेस अब बचती हैं आपके पास, एक अच्छी तरह ढंग से रिसर्च करके एक्सपर्ट्स के साथ करें, या फिर सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट करें। चॉइस आपकी।